माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीजल इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्टेशनरी इंजन है जो कि हैंडल से स्टार्ट होता है, और इंजन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। सबसे पहले तो आपने डीजल टैंक के अंदर जो है वो फ्यूल को चेक करना है इस कैप को खोलकर, और यहाँ से जो है वो आप पेचकश वगैरह डाल के जो है वो उसका लेवल चेक कर लेना है फ्यूल का कि फ्यूल कितना है, डीजल कितना है इसमें टैंक में। इसका इतना नुकसान नहीं होगा, अगर डीजल नहीं होगा तो इंजन को इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपको अगर आपने लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं चेक किया, और इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं है तो इंजन जो है वो आपका सीज हो सकता है। तो उसका इंजन का ऑयल लेवल जो है हम इससे चेक करते हैं, इसको बोलते हैं हम डिपस्टिक। तो ये यहाँ पे देखेंगे आप डिपस्टिक में ये दो कट बने हुए हैं, एक ये कट बना हुआ है और एक ये कट बना हुआ है। ऑयल का लेवल जो है वो इन दो कट के बीच में होना चाहिए। तो आपने इंजन को स्टार्ट करने से पहले जो है इसको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर आपका लेवल जो है वो यहाँ पर आ रहा है ये, तो अभी इंजन ऑयल का जो लेवल है वो ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इसको डिपस्टिक को लगा देना है, और उसके बाद इस लीवर को बोलते हैं हम डी कंप्रेसर लीवर, डी कंप्रेसर लीवर। ये क्या करता है कि जब हम इंजन को घुमाते हैं तो ये मैन्युअली तौर पर एग्जॉस्ट वाल्व को खोल देता है। ये टैपेट कवर खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अभी ये जो स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को, इस डी कंप्रेसर लीवर को घुमाने से, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है एक, इसको जब मैं घुमा रहा हूँ ऊपर वाली साइड को तो ये एग्जॉस्ट वाल्व को दबा देता है। यानी इसको दबाने से क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे हैंडल से इंजन को घुमाने की ताकत आ जाती है। अगर हम इसको नीचे करके इंजन को घुमाएं तो हमारे हैंडल को जो है घुमाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी इस तरह से आपने इस हैंडल को, ये बीच में इसका एक कट बना हुआ है, इस कट को आपने इस के बीच में भी, यहाँ पर एक कट आपको दिख रहा है, इस कट के बीच में जो है इस कट को रखना है। और ये जब डलेगा, इस तरह से डलेगा, आप सामने से देख सकते हैं ये इस तरह से खांचा जो है वो एक दूसरे के बीच में फंस रहा है। ये इस तरह से आपने इसको फंसाना है और इंजन को क्लॉकवाइज घुमाना है। लेकिन अभी आप देखेंगे मैं इसको घुमा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि इसका सक्शन स्ट्रोक तो उसका पूरा हो गया। जैसे मैंने जहाँ से इसको घुमाया था तो सक्शन स्ट्रोक तो पूरा हो गया इसका, लेकिन अभी इंजन जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर आया लेकिन अभी बीच में है, तो अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको घुमा पाऊँ और इसका कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा कर पाऊँ। इसके लिए, इस काम को पूरा करने के लिए ये डी कंप्रेसर लीवर जो है लगाया जाता है। तो इससे क्या करता है, ये मैनुअली तौर पर एग्जॉस्ट वाल्व को खोल देता है। खोलने से हम जब इंजन को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इंजन जो है वो आसानी से घूम जाएगा। एक हाथ से मैं इंजन को जो है घुमा पा रहा हूँ। ये इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि जो हवा सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर गई थी वही कंप्रेशन स्ट्रोक में इस एग्जॉस्ट वाल्व के दबे होने के कारण बाहर निकल रही है। तो जब तक मैं इसको स्पीड बनाऊंगा इसकी और जोर से स्पीड से घुमाऊंगा, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस डी कंप्रेसर लीवर को जो है हम इस तरह से छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं, जब ये फ्लाई व्हील, इस साइड में जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील में उस कंप्रेशन स्ट्रोक को पूरा करने की ताकत आ जाती है, उस टाइम जो है हम इस डी कंप्रेसर लीवर को छोड़ते हैं और ये फ्लाई व्हील कंप्रेशन स्ट्रोक को पूरा करता है और इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे। तो इसका हम पहले टैप कवर यहाँ लगा लेंगे।
इसके बाद आपने तीसरी जो चीज़ चेक करनी होती है, अगर आपका वाटर कूल्ड इंजन है तब आपने रेडिएटर में जो है वो पानी का लेवल चेक करना है। ये तीन चीज़ें जो है वो आपने इंजन को स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेनी है, और उसके बाद आपने इस डी कंप्रेसर लीवर को ऊपर उठा लेना है। अगर ये नीचे होगा तो आप इंजन को नहीं घुमा पाएंगे। इस डी कंप्रेसर लीवर को ऊपर उठाएंगे और फिर इंजन को आपने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है वो घुमाना है, और जब आपका स्पीड बन जाए तो उसके बाद आपने डी कंप्रेसर जो है वो आपने दबा कर रखना है जब तक आपका इंजन रुक नहीं जाता। इस तरह से आपका इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। इसमें आपने प्रिकॉशन लेनी है। कुछ ऑपरेटर जो हैं इंजन को इस डी कंप्रेसर लीवर को ऊपर वाली साइड को उठाकर भी बंद करते हैं। इंजन आपका इससे भी बंद हो जाता है, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि अगर आपका जो वाल्व है पिस्टन के हेड के साथ टकराने के चांस रहते हैं, जिससे क्या होता है कि पिस्टन का हेड जो है वो टूट सकता है। तो इस तरह से आप डीजल इंजन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम इंजन को बोलते हैं स्टेशनरी टाइप इंजन। ये एक ही जगह रखकर जो है वो काम किए जाते हैं। जैसे विवाह शादियों में जो जनरेटर हम यूज़ करते हैं उसमें भी इस तरह का इंजन लगा रहता है, और ट्यूबवेल पे भी इस तरह का इंजन लगा रहता है। तो आपने जो है इस तरह से इंजन को स्टार्ट करना है। इसमें आपने एक और प्रिकॉशन लेनी है। जब आप इस इंजन को पहली बार स्टार्ट करें तो अपना बैलेंस जो है वो आपने इस तरह से बढ़ा के रखना है कि अगर ये हैंडल बाई चांस आपसे गलती से निकल जाए तो आप नीचे वाली साइड को ना गिरे। तो ऐसे आपने लेवल जो है वो इस तरह से रखना है। अपना एक पैर आगे रखना है और एक पैर पीछे रखना है, ताकि अगर हैंडल अगर आपके से निकल जाता है तो आप मुंह के बल जो है वो आगे ना गिरे। अगर पहली बार आप कर रहे हैं स्टार्ट, और जब पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम आपके इस रेंज में हैंडल की रेंज में भी कोई आदमी जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब आप निकालते हैं तो हैंडल जो है वो किसी को लग सकता है, तो इसको आपने इस तरह से डालना है। एक बार फिर से स्टार्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको, और इस डी कंप्रेसर लीवर को ऊपर उठाना है और फिर आपने इंजन को घुमाना है, और स्टार्ट करने के बाद आपने इस हैंडल को जो है आहिस्ता करके जो है वैसे निकाल लेना है बाहर। इस तरह से जो है वो आप डीजल इंजन को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। फ्यूल चेक करना है, लुब्रिकेटिंग ऑयल चेक करना है, और अगर वाटर कूल्ड इंजन है तो रेडिएटर के अंदर जो है वो आपने वाटिंग का लेवल जो है वो चेक करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।